नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। हम अपने चैनल क्लासिक ऊपर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो स्किन केयर की वीडियो है और इस वीडियो में पर्सनल अपने फेस पे किस तरह से आप स्टेप चलाएंगे उसका वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं और इस वीडियो में डिटेल करेंगे कि हमारे स्टूडेंट कैसा वर्क कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस किया है और उनका हाथ कैसा चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कैसी गई है। तो क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है? तैयार हैं सीटीएम करने के लिए? ठीक है, शुरू हो जाइए। सबसे पहले क्या करना है? क्लीन करना है फेस। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्लीन हो गया। तो फेस को क्लीन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि डस्ट पोल्यूशन जो स्किन के ऊपर चिपका हुआ है उसे अच्छे से रिमूव कर लेना है। और रिमूव करते समय ये ध्यान देना है कि आंखों के पास काजल लगाते हैं या फिर ऐसे भी डार्क सर्कल तक आपके पास विशेष करके सफाई करनी है। हो गया ना? यस सर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? ब्लीचिंग। ठीक, हाथ सूख रहा है, सूखा हुआ नहीं आप लोगों को अप्लाई करना ना। तो क्लीनिंग और लीजिए। और आत्मा एकदम सूखा सूखा जब आप लोग अप्लाई करेंगे उस पर क्लीनिंग की स्टेप करेंगे तो सारा गंदगी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगा। फिर आप ग्लो के लिए इस काम को कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, साफ हो, तो उल्टा रिएक्शन होगा, वो साफ नहीं करेगा, गंदगी अंदर जाएगा तो वो कील मुहासे के रूप में निकलेगा। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा, अच्छी जा रहा है। क्या भी दिखाई इनका स्टेप अच्छा जा रहा है, थोड़ा सा ठीक है। गुड गुड, क्लींजर और लीजिए। पूजा, क्लींजर और लीजिए, स्टेप अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, सही है। यहाँ नहीं, आंखों के पास, यहाँ पे, यहाँ, ये यहाँ पे रखेंगे ना, हमको यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ पे ये फिंगर रिंग में रिंग बैठ गया ना। सही है। चेंज सोनम, क्लीनिंग और याद है सबको इस चीज। हाँ, यही देखते हाँ, अपने फेस में करना है ना इसलिए। अच्छा है, गुड।
सोनम नहीं देखी क्लीजिंग और लीजिए, क्लीजिंग और लीजिए, ठीक है सोनम क्लीजिंग और लीजिए, ठीक है ज्योति के बीच से पक्ष जा रहे ठीक है नहीं ये नहीं था ये नहीं था ये था हाँ ऐसे हाँ ऐसे हाँ ठीक है यहाँ तक ये तक हाँ यहाँ तक ये रहे पूरा यहाँ से यहाँ तक कान तक हाँ ठीक है सामने सासे में देख लीजिए ऐसे कर लीजिए ये लोन को आपको प्रेस करना ना ऐसे बस खाली नहीं यहाँ पे पकड़ना भी है उसको यहाँ पे हड्डी है हाँ उसको पकड़ना है साइड से ठीक है नेक्स्ट स्टेप हाथ गीला होना चाहिए वन टू थ्री एक दो तीन चार ऐसे एक फिंगर से दो फिंगर से फिर तीन फिंगर से हाँ ठीक है फोर हेड पे भी फोर हेड पे हाँ सारे लोग अपना सुबह शाम दो टाइम सीटीएम जरूर कीजिएगा ठीक है स्टेप तो आप लोगों को याद हो गए अच्छा कर रहे हैं आप लोग सीटीएम का पहला स्टेप आप लोगों ने कर लिया फॉलो कर लिया अब सेकेंड स्टेप क्या है टोनर ठीक है तो आप लोग टोनर अप्लाई कीजिए कैसे करते हैं अगर स्प्रे है अगर स्प्रे है तो आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं ऐसे ये डायरेक्ट पोज पे जाएगा और उसको टाइट करेगा अगर स्प्रे नहीं है ऐसा है तब आप इसको कॉटन में लेके अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोनों तरह से तो आप जब स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे करने के बाद 5 मिनट इसको सेट होने का टाइम दीजिए स्किन में एब्जॉर्ब होने का टाइम दीजिए ठीक है यहाँ पे दिखाइए कि अगर स्प्रे नहीं है तो कैसे यूज करेंगे ठीक है अब यहाँ पे टेक्निक आप लोग समझिए कि कैसे आप लोग स्प्रे कर लिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा लीजिए टोनर और कॉटन में टोनर लीजिए और कैसे उसको अप्लाई करेंगे अगर आपके पास स्प्रे वाला टोनर नहीं है तो ठीक है किस तरह से उसको मूव करना है फेस पे क्योंकि यही तरीका होता है जब हम फेस पे आईज लगाते हैं तो उसको उसी तरह से मूव करते हैं जैसे कि हम लोग टोनर अप्लाई कर रहे हैं कॉटन को मूव कर रहे हैं फेस पे तो उसमें आपको आईज में भी यही तरीका यूज होने वाला है तो ये तरीका सीखना काफ़ी ज़रूरी है कि कैसे आपको अप्लाई करना है ठीक है सुन सीजिए हाँ ठीक है वहाँ दिखाइए सही है ऐसे देखिए यहाँ से देखिए हाँ जाएंगे ये हाँ ठीक यहाँ से लेके जाएंगे ऊपर ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और आउट करेंगे इन नहीं करेंगे बस आउट करेंगे हाँ ठीक है हाँ हाँ
दोनों हाथ का यूज़ कीजिए, कॉटन लीजिए, हाँ ठीक है। अब आप लोगों के स्किन में एक जोन हो गया होगा, हो गया ना, छू के देखिए कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट हो गया ना। तो टोनर बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए, टाइट जो हमारा क्लीजिंग से स्किन के पोर्स ओपन हुए हैं और उसको टाइटन अप करता है हमारा टोनर, ठीक है, और डीप क्लीजिंग भी करता है, तो इससे स्किन काफ़ी टाइट रहती है और बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप, अब हमें मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। मॉइस्चराइजर क्यों यूज़ करना है, क्योंकि मॉइस्चराइजर करने से हमारी स्किन में नमी बनी रहेगी, स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। तो हमें तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कैसे करना है, उसके स्टेप्स आप लोगों ने याद कर लिया, ठीक। नीचे की तरफ डाउन नहीं करना है, हाँ ये हाथ ऊपर जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो ये अप हो गया, और ऐसे जाएगा, ऐसे एक मिनट, ऐसे जाएगा तो आउट हो गया। तो दो ही स्टेप में मसाज करते हैं, आउट और अप, डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। चेंज स्टेप, चेंज मॉइस्चराइजर थोड़ा सा और लीजिए जो कि टैपिंग इसे करते हैं फिंगर टिप से, ये टच होना चाहिए टिप, ठीक है, और फास्ट। ठीक, ये क्लीजिंग के स्टेप हैं। वो कॉटन दे दीजिए लगा दे। उल्टा पड़ रहा दबाइए, हाँ दबाना है, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ पुश करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, वो तो बाद में करना है ना, बाद में करना है, उसके लास्ट वाला स्टेप पर, लास्ट में रिलैक्सिंग, बाकी स्टेप आप लोग भूल रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। मसाज के स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मसाज के स्टेप आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। जब मॉइस्चराइज करेंगे, नाइट क्रीम लगाएंगे, डे क्रीम लगाएंगे, तो भी आपको ये मसाज स्टेप फॉलो करना चाहिए। फेस का शेपिंग बहुत अच्छा से रहता है और ब्लड का फ्लो जब बढ़ता है तो ग्लो बना रहता है, बार बार फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल ग्लो बना रहेगा, क्योंकि डेली हम रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, हाँ ऊपर ले जाइए, ऐसा पॉइंट पर पुश कीजिए, हाँ सो नाउ करवा ऐसे करके, हाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ यहाँ
या फिर किसके लिए? हाँ दूसरा, हाँ ठीक है, हाँ सही, हाँ ऐसे। अभी इधर अब वन साइड हो गया, फिर दूसरे साइड जाइए। हाँ ये हाथ आपका यहाँ तक पहुँचा, फिर दूसरा ऐसे के पीछे गया, ठीक। ठीक है, ठीक है, चेंज कीजिए, हाईलाइट कीजिए चिक बोन को, इस तरह से, इस तरह से शेपिंग के लिए। देखिए शेपिंग के लिए ये चीज यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये यहाँ पे जाएगा ऐसे ऐसे, और बीच में ये लाइनिंग आएगी ऐसे, तो शेप आएगा। मॉइस्चराइजर और इसी पूजा खाली खाली मुंह होगा। हाँ ये फाइन लाइंस को क्रैक करने के लिए, ये पूरा ये जिनके फाइन लाइंस है मतलब एज वाले हैं उनको ज्यादा करना है, जिनका एज अभी कम है 25 से नीचे है 30 से नीचे है तो उनको कोई जरूरी नहीं है ये वाले स्टेप फॉलो करने के लिए, लेकिन करते रहेंगे तो फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो सही रहेगा। हो गया गले पे, ठीक है। अरे दबना भी तो चाहिए बस, ऐसे आपकी दाढ़ी में प्रेशर भी लगना चाहिए, और यहाँ पॉइंट पे भी यहाँ भी हाँ प्रेशर, ठीक है। आई को रिलैक्स कीजिए, तो आप सब लोगों ने सीटीएम का मतलब समझ लिया, सीटीएम क्या होता है और कैसे करते हैं, और ऑल स्क्रीन टाइप कर सकते हैं, जैसे ऑल स्क्रीन टाइप का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो सब लोग सीटीएम कर सकते हैं। सीटीएम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, सुबह शाम दो बार करना, नहीं टाइम मिल पा रहा है तो एक बार तो जरूर करें, ठीक है। तो क्लियर सीटीएम, ओके, थैंक यू, वेलकम।